नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309609750385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ एआरओ पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो यहां से कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि पहली कपास मिल 1854 में कहां पे स्थापित की गई। तो देखिए, इससे पहले भी एक बार प्रयास हुआ था लगभग 1818 में कलकत्ता के रीजन में, परंतु वो प्रयास सफल नहीं रहा था। उसी के बाद देखेंगे 1854 में बॉम्बे में जो है द बॉम्बे स्पिनिंग मिल जो है इसकी स्थापना की गई थी, नाना भाई डावर करके थे एक, उनके द्वारा। ठीक, इसमें देखें भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट यानी कि उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसको बनाया गया था सिंदरी में, वर्तमान जो झारखंड है उसका धनबाद जिले में ये स्थित है, विकल्प बी। आगे देखें, भारत में पहली न्यूज प्रिंट पेपर मिल किस राज्य में स्थापित की गई, तो ये जो है अराउंड 1955 में देखें नेपा नाम से जो है फेमस है, नेपा नगर में जो वर्तमान मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है यहाँ पे स्थित है। फुल फॉर्म था इसका नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड, है ना, तो बी विकल्प को चुनेंगे। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर जो है किस उद्योग के लिए फेमस है, तो ये आप जानते ही होंगे, यहाँ पे ग्लास यानी कांच उद्योग है और चूड़ियाँ बनाई जाती हैं काफ़ी, ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। आगे देखें, राजस्थान राज्य जो है उसमें सीमेंट उद्योग जो है उसके स्थानीयकरण यानी कि लोकलाइजेशन, क्योंकि आप राजस्थान में देखेंगे तो कई सारे जो हमारे सीमेंट के प्लांट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिव है यहाँ पे, तो इसका मुख्य कारक कौन सा है यहाँ पे। देखिए कारक तो ये सारे सभी हैं, है ना, इनके लोकलाइजेशन के, परंतु सबसे मुख्य कारक है कि सीमेंट में जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनकी उपलब्धता जो है प्राकृतिक रूप से भी राजस्थान राज्य में है, यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता, तो ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें, सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक, है ना, नॉर्थ में जो इंडस रिवर का रीजन देखते हैं आप, वहाँ से लेकर के सोनार वैली बंगाल में, तो यहाँ तक अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत करने के जो है इरादे से किसने एक शाही सड़क का निर्माण किया, तो ये बात है शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड की, इसने जो है रोड बनवाया था यहाँ से, ठीक है, और इसी को आगे चल के ब्रिटिश टाइम पीरियड में जीटी रोड नाम दिया गया, वर्तमान में भी जो आप ये देखते हैं स्थित है, ठीक है, पूरा प्रॉपर ये अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है, उसी की बात हो रही है। इसमें देखें, नागपुर योजना के अनुसार भारतीय सड़कों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में आप देखेंगे अराउंड 1943 में एक नागपुर प्लान लाया गया था जिसके माध्यम से भारत में सड़क जो है उसको चार भागों में डिवाइड किया गया। बी विकल्प को चुनेंगे, पहला है नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवेज, तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स और चौथा जो है ग्रामीण यानी कि विलेज रोड्स। ठीक, भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड ट्रैक जो बनाया गया, है ना, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, तो इसकी डिस्टेंस बतानी है, तो ये जो है रफली 93 किलोमीटर का है, विकल्प ए को चुनेंगे। आगे देखिए, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई जो है वो कितनी होती है, तो रेलवे में देखेंगे जैसे दो पटरियां होती हैं उस पर ट्रेन चलती है, तो इस आधार पर इनकी जो डिस्टेंस है तीन प्रकार से हम ये रेलवे लाइन्स को पढ़ते हैं, ब्रॉड गेज, फिर है मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज की लंबाई यहाँ पे पूछी जा रही है, तो ये लगभग 1.616 जो है मीटर्स की होती है, तो मान लीजिए रफली 1.67 मीटर, विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मीटर गेज जो होता है वो पूरा 1 मीटर की डिस्टेंस होती है इसकी दोनों पटरी के बीच में, और नैरो गेज जो होता है ये लगभग 0.762 करके होता है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, है ना, तो ये जो है तीनों की क्लासिफिकेशन होती है, इसमें हम ए विकल्प को चुनेंगे। फिर इसको देखिए, कोंकण रेलवे जो कि महाराष्ट्र में रोहा, इसको कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है, ठीक है, लगभग 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, तो इसको किस वर्ष में बनाया गया था, तो 1998 जो है इसको चुनेंगे आप। ये पूरा वेस्टर्न घाट का जो कोस्टल रीजन देखते हैं इसके अलॉन्ग, ये काफ़ी अच्छा एक जो है और एक इंजीनियरिंग का भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि कई सारी टनल्स नदियाँ इन सबको पार करके पूरा जो है स्ट्रेच बनाया गया है। ठीक,
नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकेडमी, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ट्रेनिंग वगैरह के पर्पज से संबंधित ये जो अकेडमी है ये स्थित है वडोदरा में। इसमें कौन सी रेल सुरंग महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, तो काफ़ी कई सारी जो रेलवे की टनल्स हैं पॉपुलर हैं, कई बार पूछी भी जाती हैं, तो महाराष्ट्र में है टीक रेल सुरंग, सवार्दे और कारबुल जो भी है। ठीक है, ये तीनों ही हैं। पीर पांजाल चूंकि ये आप देखते हैं ना जम्मू कश्मीर रीजन में है। आगे देखें कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है किस किस को डिस्क्राइब करता है और किसको नहीं करता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपने एटम के बारे में जब पढ़ा होगा तो रदरफोर्ड मॉडल बताता है कि एटम के संबंध में उसकी न्यूक्लियस की प्रेजेंस क्या है, है ना, चार्ज कितना है एटम का और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति क्या है। इसमें परमाणु की स्थिरता के बारे में जो है कोई बात नहीं की गई है। अब केमिस्ट्री में ही जब आप एटम वगैरह को पढ़ते हैं तो न्यूट्रिनो के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिनो के बारे में अगर सही कथन देखें तो ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित कण होते हैं और इनकी खोज पाउली ने की थी। ये भी दोनों ही इसमें स्टेटमेंट जो है हमारे ठीक है, थोड़ा डिटेल में भी इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा कई बार पॉजिट्रॉन के बारे में पूछा जाता है, फिनॉन के बारे में पूछा जाता है, क्वार्क वगैरह, ये चीज़ें भी पता कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है यानी कि होमोजेनस, तो जब आप सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं है ना, तो उसमें होमोजेनस मिक्सचर में आप देखेंगे तो अगर यहाँ विकल्पों में हम ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पानी में चीनी का जो घोल होता है तो जैसे आप चीनी घोलेंगे पानी में तो एक ट्रांसपेरेंट वो मिक्सचर बन जाता है ना सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा इसमें होमोजेनस मिक्सचर का उदाहरण। इसके अलावा जैसे पानी में नमक घोलने का एग्जाम्पल है ना, अल्कोहल घोलने का, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे होमोजेनस के। इसमें देखें कोलाइड का उदाहरण कौन सा है, तो कोलाइड बेसिकली जब आप सॉल्यूशन के ही क्रम में और चीज़ों को पढ़ते हैं तो कोलाइड क्या होता है कि दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसमें इसको इजी मतलब सेपरेट कर पाना बहुत ही जो है एक तरीके से डिफिकल्ट होता है। और अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जो ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड, ये कोलाइड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो ये ग्लू होता है, मिल्क के बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, मिल्क होता है कोलाइड, है ना। इंक होती है जो पहले ये वाली होती थी पेन में जो डालते थे लिक्विड वाली, ये सब एग्जाम्पल हैं कोलाइड के। अब इसमें देखिए हाइड्रोलिसिस होने पर प्रोटीन जो है वो क्या देता है, है ना, तो हाइड्रोलिसिस या फिर इसको हिंदी में अपघटन टर्म भी यूज़ किया जाता है। इसको आप ये देखेंगे ना जब किसी फूड प्रोडक्ट या फिर इस तरह की चीज़ों को प्रिजर्व करने की बात होती है तो उसी क्रम में जैसे आप पढ़ते हैं ना पाश्चराइजेशन को हम करते हैं, सब्लिमेशन वगैरह होता है, तो उसी क्रम में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस को भी पढ़ा जाता है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो सॉल्ट के आयन होते हैं और वाटर का जो आयन है, है ना, वो आपस में रिएक्शन करके एसिडिक या फिर जो क्षारीय कह लीजिए घोल है उसको तैयार करेंगे और उसमें ऊर्जा जो के रूप में निकलने वाला प्रोडक्ट भी पूछा जाता है कई बार, तो एनर्जी के रूप में निकलती है ऊर्जा। ठीक, तो हालांकि ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इसमें जो पूछा गया कि हाइड्रोलिसिस होने पर प्रोटीन में अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो क्या देगा, ये अब दिए हुए विकल्पों में देख लीजिए कि एसिडिक चीज़ देगा या बेसिक देगा, है ना, तो अमीनो एसिड जो है ये हो जाएगा इसका उत्तर। इन कॉन्सेप्ट्स को प्लीज़ थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इस फॉर्मेट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्विज के वीडियो में बता पाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि टाइम लिमिट होती है। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चंस को देख के आप अपने रिवीजन के रूप में नोट्स वगैरह में से इसको डिटेल में पढ़ लिया करिए। अब देखें मेटल पढ़ते हैं आप तो उसी क्रम में नॉन मेटल्स भी होते हैं, तो नॉन मेटल किसके कंडक्टर नहीं होते यानी कि कुचालक होती हैं किसकी, तो जाहिर सी बात है हीट ऊष्मा, है ना, इन सब की कुचालक होती हैं, दोनों करेक्ट हो जाएगा। देखें बुल और बेयर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अगर आप रिसेंटली न्यूज़ से डे टू डे अपडेटेड हैं तो अडानी कांड के बारे में आपने सुना होगा, तो शेयर मार्केट जैसे अडानी के शेयर्स काफ़ी गिरे, है ना, तो शेयर मार्केट से ही संबंधित ये दोनों टर्म हैं बुल और बेयर। बुल में क्या है कि जब शेयर मार्केट मतलब उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो उस रेफरेंस में इसको प्रदर्शित करते हैं, और बेयर जो है ना ये उसके गिरने की स्थिति को दर्शाता है। ठीक, इसमें देखें ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, तो ये क्या होता है इलीगल ट्रांजेक्शन का एक भाग है जिसको बेनामी ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ए व्यक्ति के नाम पर कोई प्रॉपर्टी एक पीस ऑफ लैंड है 1 एकड़ का, उसको ट्रांसफर किया गया परंतु उसका पेमेंट ए व्यक्ति ने ना करके बी व्यक्ति ने किया, है ना, तो वही ब्लैक मनी के रेफरेंस में सब ट्रांजेक्शन होते हैं, तो बेनामी लेन देन की परिभाषा है ये।
वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे आप देखते हैं कि भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के हमारे लाभ क्या क्या हैं? तो नई संस्कृतियों तक पहुंच, है ना, जो अलग अलग कल्चर्स हैं, है ना, जाहिर सी बात है आपस में उनके बीच लेन देन होगी, है ना, तो ये इन तक एक देश के दूसरे देश की कल्चर तक पहुँच होगी। प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रसार होगा और उत्पादों के लिए कम लागत लगेगी। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होते हैं तो उसमें कई चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जिससे आप अपने प्रोडक्शन को कम कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है हमारे बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था संसद के द्वारा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में, ठीक। तो आगे चल करके इसी को रीनेम किया गया, है ना, किस एक्ट के द्वारा रिप्लेस किया गया, तो ये था फेमा एक्ट, सी विकल्प जो है, नहीं नहीं डी वाला, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 में इसको जो है रिप्लेस किया गया इस एक्ट से। आगे देखें, धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बनाया गया था, और ये जो ब्लैक मनी और हवाला वगैरह का ट्रांजेक्शन्स होता है इन सबको डील करने के लिए, रोकने के लिए, तो बन तो गया था एक्ट 2002 में, इफेक्टिव है ये जुलाई 2005 से। दो स्टेटमेंट है इसमें, देखिए अब कौन सा सही है। तो दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मन द्वितीय को शासन से बाहर करके राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। तो दंती दुर्ग जो है देखेंगे चालुक्य जो कीर्ति वर्मन द्वितीय था इसका सामंत था, ठीक। तो इसी को शासन से बाहर करके राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना होती है अराउंड 733 ईस्वी के आसपास, ठीक है, तो कथन ये हमारा ठीक है। और राष्ट्रकूट शासक जो रहे जैन धर्म के संरक्षक थे, ये कथन भी ठीक है। अब देखें, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक को सुलेमान, है ना, सुलेमान जो कि एक अरबी यात्री था जिसने ट्रैवल किया था अमोघ वर्ष के इसमें दरबार में लगभग 851 ईस्वी के आसपास, ठीक है, तो इसके द्वारा प्रसिद्ध महान सम्राट के रूप में बताया गया है सुलेमान के द्वारा इसको, किस राष्ट्रकूट शासक को, है ना, तो ये शासक था अमोघ वर्ष, सी विकल्प को चुनेंगे। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो ये था आपका अमोघ वर्ष, इसका दिगंबर जो सेक्ट है ना उसका अनुयायी था। अब देखें, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की। तो शासक जो है अपने समय काल में कई सारी उपाधियां धारण करते थे, उसी क्रम में जो कृष्ण प्रथम है इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे तो ये 757 ईस्वी के आसपास जो है स्टार्ट है, और इसकी जो यहाँ पे चार उपाधियां लिखी हैं, श्रीवल्लभ, अकाल वर्ष, शुभ तुंग और पृथ्वी वल्लभ, चारों इसने धारण की थी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इनको, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा जारी किए गए और उनके सचिवों द्वारा दर्ज किए गए जो शाही आदेश होते थे, है ना, रॉयल ऑर्डर कह लीजिए, या जैसे मुगल टाइम पीरियड में रॉयल फरमान के नाम से जो चीज़ें जानी जाती थी, तो उसको यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता था राजश्रवितम, है ना, इस टर्म से, इस नाम से उनको जो है उनके जो सेक्रेटरीज होते थे उन शासकों के वो दर्ज करते थे। इसमें देखें, अब पाल वंश की बात की जा रही है, तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मूल संस्थापक के रूप में आप जानते हैं गोपाल को, है ना, और द्वितीय संस्थापक कहा जाता है इनको महीपाल को, ये टाइम पीरियड इनका 995 ईडी के आसपास है, ठीक, तो ये टर्म इनके संबंध में यूज़ किया जाता है। इसमें पाल शासकों के बारे में सही कथन को चुनना है, तो पाल शासक जो भी हुए जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, तो ये गलत है क्योंकि ये बुद्धिस्ट जो है, है ना, इनके प्रबल अनुयायी थे, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने जहाँ से मिशनरी जैन धर्म का प्रचार करने के लिए तिब्बत गए, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार करने जाते हैं, और इसी क्रम में आप जैसे उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, ये सब इनके स्थापना से संबंधित पाल शासकों से, तो दोनों कथन हमारे इसमें जो है वो गलत हो जाएंगे। अब इसमें गलत कथन को चुनना है, सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक थे, तो बंगाल के रीजन में एक ये भी डायनेस्टी हुई, तो सामंत सेन इसके संस्थापक थे और बलाल सेन, है ना, ये इसके दूसरे सेकंड मतलब रूलर हुए, तो ये भी ठीक है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखिए, किस शासक का शासनकाल जो है 770 से 810 ईस्वी तक रहा, तो ये वही जो है पाल वंश के देखेंगे तो स्टार्टिंग में था गोपाल का टाइम पीरियड, तो गोपाल का जो है 770 के आसपास तक समाप्त होता है, फिर यहाँ से धर्मपाल का स्टार्ट होता है, ठीक, 810 तक, फिर 810 से 850 के आसपास तक का जो है देवपाल का समय है।
किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये टर्म यूज हुआ है पुराणों में, ये ध्यान दीजिएगा, जो इक्ष्वाकु वंश था इसके शासकों के बारे में। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो है इसमें 948-949 एडी के आसपास साउथ इंडिया में चोल और राष्ट्रकूट वंश जो है इनके बीच की एक मिलिट्री एंगेजमेंट थी। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स जो हैं उनकी सीट के संदर्भ में और स्टेट जो है उसके रेफरेंस में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए ओडिशा जो है, ओडिशा की जो प्रिंसिपल सीट, ऐसा होता क्या है कि कुछ राज्यों में जैसे क्या है कि हाई कोर्ट सिर्फ एक ही जगह है जो प्रिंसिपल सीट्स है, और कुछ राज्यों में क्या है कि प्रिंसिपल सीट के साथ साथ एक जो खंडपीठ होती है किसी अन्य जिले में होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि प्रयागराज में मुख्य पीठ है और लखनऊ में एक बेंच है ना। तो वैसे देखें ओडिशा जो है तो मुख्य पीठ जो है इसकी संबलपुर में नहीं कटक में है, है ना। उत्तराखंड की नैनीताल में है, ये ठीक है। गुजरात का गांधीनगर में नहीं है, ये अहमदाबाद में है। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर में नहीं है, ये आपका जबलपुर में है, ठीक। इसमें गलत कथन को चुनना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा है कि संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो तय नहीं किया है। तो पहला इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये आर्टिकल 217 पढ़ेंगे आप पार्ट 6 में, तो वहाँ पे है सब क्लॉज इसके फर्स्ट में ही कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी भी। और दूसरा है कि संविधान ने जो कार्यकाल है ना तो वो तय नहीं किया, तो ये ठीक है क्योंकि उसमें जो है रिटायरमेंट की एज दी हुई है 62 ईयर्स हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ठीक है, परंतु एक जो निश्चित कार्यकाल है उसके बारे में व्याख्या नहीं है। इसमें है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण जो है उस पर अधीक्षण का अधिकार है, यानी कि उनका जो सुपरिटेंडेंस होता है हाई कोर्ट्स कर सकते हैं आर्टिकल 227 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार में कौन सी याचिकाएं शामिल हैं? तो 5 प्रकार की जो रिट्स हैं उसमें से 3 यहाँ लिखी हैं, उत्प्रेक्षण, परमादेश और निषेध, है ना, सर्चियोरारी, मैंडमस और प्रोहिबिशन, है ना। तो ये 32 के अंतर्गत आप तीनों में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर इनके जो प्रावधान है इसके संबंध में हनन हो रहा है, ठीक। और हाई कोर्ट्स के रेफरेंस में जो रिट्स वाला कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 226 में है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में नहीं थे? तो इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के मध्य प्रावधान दिए गए हैं ये इसमें है 18वें भाग में। अब संविधान के जो आपातकालीन प्रावधान है उसका सोर्स क्या है? तो हमने इसको कॉन्सेप्ट को लिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का लाया गया था। इससे सही कथन को चुनना है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि जो आर्टिकल 352 के तहत इम्पोज किया जाता है उसके दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो इसमें आपको पता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के फंडामेंटल राइट जो है उसके एनफोर्समेंट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको सस्पेंड किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक। तो ये विशेषता हमने जर्मनी से ली है। और भारत में अब तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, तो ये वाला भी ठीक है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं। अब इसमें देखें आपातकालीन प्रावधानों के बारे में गलत कथन को चुनना है। तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके पास भारत के राष्ट्रपति की तरह कोई भी आपातकालीन शक्ति नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है संघ कार्यकारिणी राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती से संबंधित प्रावधान जारी कर सकती है अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई है तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला किस वर्ष में नगर निगम घोषित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि कुल 17 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो नगर निगम वाले जिले हैं, जिसमें सबसे नया है शाहजहांपुर, 2018 में उसको किया गया था अनाउंस। अयोध्या को किया गया था 2017 में, है ना, अयोध्या। और इसके साथ साथ मथुरा वृंदावन का जो एरिया है उसको भी अनाउंस किया गया था।
आगे है कि मंझनपुर निम्नलिखित में से किस जिले के मुख्यालय का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जिनके, जैसे मुख्यालय क्या होता है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो, कचहरी हो, है ना, और जो और अन्य जरूरी जैसे संस्थान होते हैं किसी जिले में जहाँ पे स्थित होते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हेडक्वार्टर कहा जाता है, मुख्यालय। तो अब मोस्टली वो ऐसे स्थल होते हैं, मतलब जो राज्य ये जिले हैं तो उसी जिले के नाम से उन मुख्यालय को जाना जाता है, परंतु कुछ जिले ऐसे हैं जो इन नामों से भिन्न हैं। तो मंझनपुर उसी में से जो है उसका ये मुख्यालय है, इसका कौशाम्बी का, उत्तर प्रदेश के ये जो प्रयागराज जिला है उसके बगल में ये स्थित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया कि कौशाम्बी जिला जो है उसको प्रयागराज जो वर्तमान में है, इलाहाबाद नाम बदला गया था इसका, तो किस जिले, मतलब इस जिले को किस वर्ष में बनाया गया था, है ना। तो पहले ये प्रयागराज का ही पार्ट था, 1907 में इसको सेपरेट किया गया है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन बने थे। तो आपको पहले हमने बताया है कि विधान परिषद जो उत्तर प्रदेश राज्य की है वो एस्टेब्लिश की गई थी 1937 में, ठीक है। तो ये चूंकि कंटिन्यूएशन में चलता है चैम्बर, तो लगातार तब से चल रहा है। तो 47 में जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय जो पहले सभापति बने उनका नाम था ये श्री चंद्र भाल, ठीक है। तो आपको हमें ये बताना है कि 37 में जब ये बना था तो पहले कौन थे, ये कॉमेंट करके बताइए। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री पहली बार कब बने थे, तो ये पहली बार बने थे 1967 में, है ना, अप्रैल 1967 में। उसके बाद 1970 में भी बनते हैं, तो फिलहाल बी को चुनेंगे। वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल कौन बना था। तो अगर हम गवर्नर की बात करें तो देखिए आज़ादी से बात कर लेते हैं, 1947 से बनी थी ये आपका सरोजनी नायडू, ठीक। उसके बाद कार्यवाहक के रूप में बीबी मलिक बने थे, ठीक है। फिर एचपी मोदी की अपॉइंटमेंट हुई थी इसमें 49 में, ठीक है। तो ये 1950 तक थे, उसके बाद फिर जो है इन्हीं की दोबारा अपॉइंटमेंट होती है, फिर ये 1952 तक रहते हैं। तो 52 में फिर जा करके ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे ना, KM मुंशी, ठीक, इनको अपॉइंट किया गया था। तो ये फिर 57 तक थे, उसके बाद वीवी गिरी बनते हैं। तो कुछ ऐसे क्रम है, इस पूरे क्रम को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज के वीडियो का कि उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल कब से प्रभावी है। तो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वर्ष 2019 में और इफेक्टिव है ये अपॉइंटमेंट 29 जुलाई से, ठीक। सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे कमेंट करके बताइए, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।